यहाँ पर विदाउट अ डाउट, और इसमें कोई डाउट नहीं है जो सभी चेयरमैन पर्सन ने भी कहा है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। 18-18 करोड़ के आईपीओ में, 50-50 करोड़ के आईपीओ में 15-15 हज़ार करोड़ की बोलियाँ आ रही थी, कुछ तो गड़बड़ थी यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ थी। और अब देखिए यहाँ अच्छी खासी जाँच होनी चाहिए, तब निकल के आएगा कि क्या हुआ है, और ख़ास तौर से जो कुछ आईपीओस थे उसकी अच्छी खासी जांच होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर सीआईओ गुरमीत चड्ढा जुड़ गए हैं। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। ये फाइनली मार्केट में जो एक 3-4 महीने से वार्निंग थी कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप में थोड़ा एग्ज्यूबरेंस है, क्या अब फाइनली मार्केट उसको हीड कर रहा है, या फिर ये फिर से छोटी सी शैलो करेक्शन होगी और वी विल मूव ऑन? अनुज, बहुत डीप करेक्शन नहीं लगता है, बट काउंटर स्पेसिफिक होगा। जैसे कुछ जैसे आपने चर्चा की, एसएमईज में काफी फ्रॉड था, हमने देखा आरबीआई ने भी एक्शन लिया आईपीओ फाइनेंसिंग को लेके। उसके अलावा सेबी वॉर्न कर रहा है म्यूचुअल फंड्स को स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए। कुछ हद तक म्यूचुअल स्मॉल कैप फंड ने अनुज कैश लेवल्स बढ़ाए हैं, उसका भी इम्पैक्ट है। तो जब कहिए आप, बाजार कारण ढूंढता है, जब आप इतना तेज रनअप हो जाता है, और यहाँ पे 2-3 कारण एक साथ आ गए। सेबी का वरी आ गया, स्ट्रेस टेस्ट आ गया, थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज आई कुछ काउंटर्स को लेके, स्पेशली कुछ ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स को लेके, मैं नाम में नहीं देना चाहूंगा कंप्लायंस की वजह से, वहां पे आया, उसका भी थोड़ा रब ऑफ है। और एक नॉर्मल जब जब आप 70-80% इंडेक्स ऊपर जाएगा साल में, तो 10-15% और यहाँ यही होता है। देखिए ब्रॉड मार्केट में आपको पेन नहीं दिखेगा, निफ्टी अभी भी 22,300-22,400 दिखेगी, और यहाँ इस पेस से 10-15-20% जो है रिटर्न साफ हो जाते हैं। 2017-18 में भी सेम हुआ था जब सेबी ने रिकैटेगराइजेशन किया था। मुझे लगता है थोड़ा सा और क्लीन अप होगा, क्योंकि कुछ फाइंडिंग्स आएंगी जैसा आपने बोला, बट वो ब्रॉडर मार्केट में नहीं, कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स में होगा। इनफैक्ट जो लोग फ्रेश पैसा डालना चाह रहे थे स्मॉल मिड कैप्स में, अगला शायद 1 महीना उनके लिए अच्छा है, अगर थोड़ा पोजीशन बिल्ड करना चाहते हैं। ये तो आप कहाँ कहाँ मौके ढूंढेंगे इस करेक्शन में, कौन कौन से स्पेसेस स्टॉक्स आपके हिसाब से लिस्ट बना के रेडी रखनी चाहिए जहां पर करेक्शन में आप बाय करेंगे? अनुज, कुछ पीएसयू नेम्स में मुझे लगता है स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं। कुछ पीएसयू नेम्स मी टू करके चल पड़े थे कि एक्स स्टॉक चल गया है तो वाई को भी चलना चाहिए। आई थिंक अब बाजार दिखा रहा है, सीपीएसई इंडेक्स में भी ठीक ठाक करेक्शन आया है, तो मैं कुछ डिफेंस नेम्स देख रहा हूँ वहाँ पे, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ हम एयर डिफेंस सिस्टम के नेम्स है जहाँ पे हम, जैसे हमें एचएएल पसंद है। कुछ रेलवे स्टॉक्स में काफी ठीक ठाक करेक्शन आया है, मैं टीटागर काफी अच्छा लगता है। कुछ कंज्यूमर स्टॉक्स में मुझे लगता है, जैसे आईटीसी में मुझे लगता है ये थोड़ा ओवरहैंग है बैट का, सेल का, अगर ये हो जाता है इस हफ्ते में तो बड़ा ओवरहैंग चला जाएगा, और मैं देखना चाहूंगा कौन इन्वेस्टर्स आते हैं, क्योंकि इवेंचुअल काफी बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होती है। सिगरेट बिजनेस, एफएमसीजी बिजनेस में आप देखिए 11% एबिट मार्जिन, बहुत मेहनत लगती है इस फ्रेंचाइज को बनाने में, 10-20 साल लग जाते हैं। आप देखिए एचयूएल इंडिया में लीडर है, वर्ल्ड वाइड पीएनजी है, लेकिन इंडिया में डिस्प्लेस नहीं कर पाया लीवर को पीएची, तो टाइम लगता है एफएमसीजी में, और आईटीसी ने वो समय लगा लिया है, एक वैल्यूएशन मल्टीपल मिलेगा उसे भी कंज्यूमर कंपनी का किसी समय पे। बैंक्स में मुझे लगता है थोड़ा सा वापसी हो सकती है, एनबीएफसी थोड़ा सा प्रेशर में रह सकते हैं नियर टर्म में, तो ये कुछ पॉकेट्स देख रहे हैं। और कुछ स्मॉल मिड कैप्स हैं अनु, जहां पे मुझे लगता है क्योंकि पूरा मार्केट में करेक्शन आया है तो वो भी थोड़ा बहुत गिर रहे हैं, जैसे कुछ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं, संधार टेक्नोलॉजीज है, कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पे क्या हो रहा है कि मार्केट क्योंकि करेक्ट हो रहा है स्मॉल मिड कैप में, तो थोड़ा सा रब ऑफ की वजह से पिछले कुछ 2-3 दिनों में 10-20% का करेक्शन। ओके गुरमीत, लार्ज कैप में अगर बात करूं तो एक दो पॉकेट्स में इन आई थिंक डेज ऑफ टर्बुलेंस के बीच में बाजार ने काफ़ी जो कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस शो किया है वो है आईटी, और आईटी में टीसीएस आज ऑल टाइम हाई छुआ टीसीएस ने। आई मीन ये अब तक लीडरशिप एचसीएल टेक्नोलॉजीज के हाथ में थी, लार्ज कैप में रहते हैं अभी, आपका व्यू लार्ज कैप आईटी में और टीसीएस को आप कैसे रीड कर रहे हैं इस प्राइस पर? जब भी थोड़ा भी मार्केट में बिजली हलचल होती है, थोड़ा सा डिफेंसिव नेम हो, जैसे आईटी है, एफएमसीजी है, थोड़ा सा फ्लो स्पेसिफिक मूवमेंट होता है। टीसीएस ने वैसे भी लार्ज कैप आईटी में आउट परफॉर्म किया है, आप चाहे मार्जिन की बात करिए, डील विंस की बात करिए, अगर आप उनकी वर्टिकल वाइज ब्रेकअप देखेंगे, रेवेन्यू मिक्स काफी बेहतर है इंफोसिस और बाकी लार्ज कैप आईटी के मुकाबले। उनका जो कॉमेंट्री रहा है बहुत अच्छा रहा है, और एआई रिलेटेड भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स पे अच्छी अच्छी न्यूज हमने देखने को मिली है, बट वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है बहुत ज्यादा।
ठीक है, फ्री कैश फ्लोज है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, थोड़ा सा डिफेंस से बेटर है। हम आईटी में अभी जो ऐड कर रहे हैं, केपीआईटी ऐड कर रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है कि जो जो कार का सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी कंपोनेंट है, कार की कॉस्ट का काफी बड़ा हिस्सा होगा, 50-60% होगा अगले 2-3 साल में। तो ये बहुत अच्छा प्ले है। 15-20% का करेक्शन आया है पीक से 17-1800 की, अभी भी महंगा स्टॉक है, बट जैसा मैंने बोला साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ी है। टाटा टेक्नोलॉजी अच्छा लगता है। और आप एचसीएल की, क्योंकि आपने चर्चा करी, उसमें तीन बिजनेस जो है, तीनों में अच्छा आउटलुक है। तो आईटी सर्विसेज तो है ही है, ईआरडी में भी है, और प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म में भी लास्ट क्वार्टर उन्होंने थोड़ा सा वो दिखाया। तो मेरी ये तीन पसंदीदा स्टॉक्स रहेंगे आईटी में, और अगर परसिस्टेंट में थोड़ा करेक्शन आता है तो वो भी हमारे रेडार में। गुरमीत, टाटा सन्स का जो आईपीओ का न्यूज़ आया और उसके बाद जिस तरीके से टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में, खासतौर से टाटा केमिकल्स में मूव आया, उसके बाद जो करेक्शन आई अब लास्ट 2-3 दिन में, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? अनुज देखिए, ये जो वैल्यू अनलॉकिंग होती है, ये जब तक इवेंट नहीं हो जाए तब तक, हालांकि मैं थोड़ा सरप्राइज था टाटा केमिकल के शार्प मूव को देख के। हम पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं तो मैं कंप्लेन नहीं कर रहा था, बट 40% मूव होना बिना कंप्लीट अनाउंसमेंट के थोड़ा सा था। और अब वो तो जो बाजार यही करता है, अगर न्यूज बेस्ड होता है, न्यूज में सब्सटेंस नहीं होता है तो पुल बैक भी ऐसा आता है, बट वैल्यूएशन कम्फर्ट है क्योंकि ये बॉटम ऑफ द साइकिल है सोडा ऐश की। आप देखेंगे और 10-11 के अर्निंग मल्टीपल पे आप फॉरवर्ड देखेंगे तो चाहे सिंगल डिजिट अर्निंग मल्टीपल पे, और यहाँ मल्टीपल प्लेस है। तो सोडा ऐश का प्रॉक्सी डिमांड हाउस ग्लास है, जो कि हाउसिंग और इंफ्रा से लिंक्ड है। फिर रैलिस इंडिया में स्टेक है, टाटा सन्स में कभी ना कभी वो वैल्यू अनलॉकिंग रियलाइज होगा। और स्पेशलिटी केमिकल में टाटा केमिकल बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो अभी वो वैल्यूएशन में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, बट जिस तरीके से ये ईवी और हाइब्रिड स्पेस इवॉल्व हो रही है, टाटा केमिकल एक मेजर मेजर प्लेयर उभर के आएगा हमें ऐसा लगता है। तो थोड़ा सा हम काउंटर सिक्लिकल हो रहे हैं केमिकल स्टॉक्स में, हमें लगता है शायद शायद बॉटम नहीं है साइकिल की, शायद 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर का पेन हो रहा है, बट वैल्यूएशन में मेरे हिसाब से 80-90% पेन है। तो हम काफी सारे स्टॉक्स को रेडार पे रखे हैं। टाटा केमिकल हमने होल्ड किया हुआ है, हम दीपक को भी देख रहे हैं, हम नवीन सोरेन देख रहे हैं, हम एसआरएफ देख रहे हैं, हमारे कुछ रेडार में अगर कुछ और करेक्शन आता है, एक्वोटेक है जहाँ पे एशियन पेंट्स के पुराने प्रमोटर्स हैं, तो ये कुछ स्टॉक्स हमारे रेडार में। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर आपकी क्या राय बनी है, स्पेशली पिछले